दोस्तों स्टार मेकर पे अभी बहुत सारे लोगों को इश्यू आ रहा है कि उनकी आईडी मल्टीपल हो गई है, उनकी आईडी से गिफ्ट जो है सेंड नहीं हो रहा है, और ऐसा उनकी मेन आईडी पे हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई फेक आईडी बनाई थी, फेक आईडी पे ऐसा हो गया है, उनकी बड़े बड़े लेवल की आईडी है और उस पे जो है मल्टीपल अकाउंट कैन नॉट सेंड गिफ्ट वाली प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड सारी हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसका सलूशन आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज लाते रहे। तो सबसे पहले गाइस हम आपको बता दें कि बेसिकली ये प्रॉब्लम आती क्यों है। जब आप अपने डिवाइस पे अपने फोन पे मल्टीपल आईडीज बनाते हैं, यानी स्टार मेकर जो है वो इसलिए केवल और केवल 3 IDs को परमिशन देता है। यानी जब भी आप नया फोन लेके आते हैं तो उस पर आप स्टार मेकर की 3 IDs बना सकते हैं, आपकी आईडी मल्टी कभी भी नहीं होगी। इसके बाद अगर आप कोई भी आईडी बनाएंगे गाइस तो वो मल्टी हो जाएगी, भले ही आज नहीं हो, कल नहीं हो, 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो, लेकिन वो मल्टी जरूर हो जाएगी। तो इसके सोल्यूशन के लिए आपको अपने स्टार मेकर की सेटिंग्स में आना है गाइस, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो सबसे पहले ध्यान में रख लेना है। आपको सिंपली गाइस जो यहाँ पे कस्टमर सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा, आपको क्या करना है, कस्टमर सर्विस सेंटर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली यहाँ पे गाइस चले जाना है। चले जाने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सब करने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको ये लगता है कि भाई आपकी मेन आईडी मल्टीपल हुई है तो ही आप ऐसा करें। यानी अगर आपने 3 ID बनाई है, अभी नया फोन लिया है और वो मल्टीपल हो गई, तो ही आप ये प्रोसेस फॉलो करें। नहीं तो अगर आप क्लोन से आईडी बना रहे हैं, वो मल्टी हुई है, तो उसके लिए प्रोसेस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए बाद में आप बोलेंगे कि भाई वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने पहले ही यहाँ आपको सजेस्ट कर दिया है। इसके बाद में फीडबैक में आना है गाइज, सबसे नीचे आपको मल्टीपल अकाउंट का जो है यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी जो आईडी है वो आपकी मेन आईडी है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बोल दिया है। बहुत सारे लोगों का जो आईडी और मल्टीपल मतलब रूम तो ज्वाइन करता है लेकिन गिफ्ट जो है सेंड नहीं हो रहा है, तो सारा यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। बस आपको मल्टीपल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल अकाउंट्स आर रिस्की अकाउंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग KTV रूम्स एंड लाइव रूम और पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज। यानी अगर आपका अकाउंट मल्टीपल हो जाता है गाइज तो आपको यहाँ पे रोक दिया जाता है किसी भी लाइव रूम या पार्टी रूम को ज्वाइन करने से और यहाँ पे गिफ्ट सेंड करने से। तो जैसे गाइज आप जब यहाँ पे फीडबैक वाले ऑप्शन पे आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। इसमें आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने आईडी पे अपने रिचार्ज नहीं किया है तो एटलीस्ट 100 रुपए का रिचार्ज कर ले, 100 रुपए का रिचार्ज कर ले, उसका एक स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद में गाइज यहाँ पे आना है आपको और जो मैं बता रहा हूँ वही आपको टाइप करना है, साथ ही साथ आपकी मेन जो आपकी आईडी है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो आपने रिचार्ज किया उसका भी स्क्रीनशॉट, आपको दोनों स्क्रीनशॉट अपने पास में रखने हैं। अब यहाँ पे गाइज जो मैं आपको टाइप कर रहा हूँ, डियर स्टार मेकर टीम आपको लिखना है, इसके बाद में लिखना है दिस इज माई, और इसके बाद में ओरिजिनल आईडी, इसके बाद में लिखना है आपको गॉट मल्टीपल एंड आई कैन नॉट इंटर रूम, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है एंड कैन नॉट सेंड गिफ्ट्स। अगर आप रूम में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, गिफ्ट सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दोनों लिखना है। नहीं तो अगर आप केवल गिफ्ट सेंड नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आपको लिखना है आई कैन नॉट सेंड गिफ्ट, ठीक है, फिर आपको रूम वाला नहीं लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है प्लीज चेक दिस आईडी, आई ऑल्सो डू रिचार्ज ऑन दिस आईडी एज यू कैन चेक इन, और इसके बाद में यहां पे लिखना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। प्लीज ओपन माई आईडी, यहां पे आपको इतना लिखना है गाइज, प्लीज ओपन माई आईडी। इसके बाद में गाइज आपको क्या करना है, आपकी स्टार मेकर आईडी का यहां पे जो है सारी चीजें डिटेल लिख देनी है, अपनी एस आईडी आपको डाल देनी है। यहां पे आपको एक लास्ट और लिख देना है आई विल बी थैंकफुल, और इसके बाद में टू यू। इसके बाद में क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली एस आईडी लिखना है, स्टार मेकर आईडी लिखना है। अब आपकी जो भी स्टार मेकर आईडी हो वो स्टार मेकर आईडी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में गाइस क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन है, तो आपको अपनी मेन आईडी का जो मेन पेज है होम पेज पे जा करके वहां का स्क्रीनशॉट एक निकाल के और लगा देना है, और जो आपने अभी रिसेंटली रिचार्ज किया वो रिचार्ज आपको डाल देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर स्टार मेकर को लगता है, स्टार मेकर टीम चेक करेगी कि भाई आपकी आईडी जो है गलती से मल्टीपल हुई है, आप जो है आपकी ये मेन आईडी है और यहाँ पे आपने कोई भी मल्टीपल आईडी नहीं बनाई है, आप मल्टीपल आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आईडी जो है वो यहाँ से मल्टी से वो हटा देंगे, आप
जो है अपनी आईडी को सक्सेसफुली रूम में एंटर कर पाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी मल्टीपल आईडी वहां पे शो नहीं करेगी। अगर उनको शो करता है कि भाई आप मल्टीपल आईडी इस डिवाइस पे यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आईडी ओपन नहीं होगी। उम्मीद करता होगा ऐसे वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।